कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी से जनता को पेयजल की हो रही परेशानी के समाधान के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूवी भूषण ने एडीबी के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूवी ने कहा कि नगर निगम के वार्ड 4 से वार्ड नंबर 26 तक संपूर्ण जल वितरण प्रणाली में 4 ओवर हैंड टैंक के निर्माण और 300 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन का निर्माण डीएमएस प्रणाली से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई तकनीकी स्काडा प्रणाली के प्रयोग से हॉट ट्यूबवेल के साथ पाइपलाइनों की देखरेख होगी, जिससे लीकेज का पता समय पर चल जाएगा। इसके आगे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूवी ने बताया कि इस पेयजल योजना से 22,000 परिवारों को नए कनेक्शन की सुविधा मिलेगी, साथ ही कोटद्वार शहर को जल संकट की समस्या से काफी हद तक निजात भी मिल जाएगी। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। आज मेरी एडीबी के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक हुई थी कोटद्वार में। आप सबको जानकारी होगी कि करीबन 325 करोड़ का कार्य शुरू हुआ है, धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो क्योंकि गर्मियों का समय है, पानी की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से बैठक हुई है। एक तो उनको कहा गया है कि काम में थोड़ी सी तेज़ी लाएं, दूसरा अगर कुछ पानी की दिक्कत होती है तो उसके लिए वो लोग व्यवस्था करें और किस तरह से बिना जनता को परेशान हुए किस तरह से कार्य हो सकता है, उस पर आज मेरी एडीबी की।